ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। नमस्कार, मैं यशोवर्धन। आज हम बताएंगे क्यों करनी चाहिए श्रावण मास में पूजा और क्या है इसके महत्व। श्रावण मास का हिंदू धर्म से बड़ा महत्व है। आइए 10 विशेष बातों से जानें इस पवित्र महीने की विशेषताएं। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिम तट से जुड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी, हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वे गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कावड़िया अथवा कावड़िया भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भी डर था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसी विष को पी लिया और उसे अपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कावर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत। सावन मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार का व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद एक शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। सावन मास शिवजी को समर्पित है, साथ में माँ पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं, उससे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिला अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिवजी का व्रत रखती है। अब हम जानेंगे सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा गया है और क्यों माना जाता है। यह 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं क्यों है सावन मास इतना खास। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्ध्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इस सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उनके अनेक नामों में से एक नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है।
शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह चार महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमास भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि का संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। यह थी हमारे द्वारा आपको बताई गई श्रावण मास की जानकारी। हमें हमारे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।